waking up alone. You left me here hours ago. Obsessively check my phone. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने लगी हूँ जो कि हर घर का मसला है। फ्रीज़र में इतनी ज़्यादा बर्फ़ क्यों जम जाती है और कैसे जम जाती है और इसको कैसे ख़त्म किया जाता है विद इन 5 मिनट्स। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है जो मैं आपको बताऊँगी और ये विद इन 5 मिनट्स ही आपके फ्रीज़र को बिल्कुल साफ़ कर देगा। तो सबसे पहले मैं अपना सामान निकाल लेती हूँ। आप देख रहे हैं कि किस कदर बर्फ़ जम चुकी है, तो मैं अपना सारा पहले सामान निकाल के फ्रीज़र खाली कर लूँगी और मैंने प्लग भी यहाँ पे ऑफ़ कर लिया है। हाँ जी, तो अब हमारा सारा फ्रीज़र खाली हो चुका है। अब ये देखें कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। अब आप देख रहे होंगे कि नीचे मैंने ये शीट्स क्यों बिछाई हैं। शीट्स बिछाने का एक ये फ़ायदा होता है कि बर्फ़ जो है डायरेक्ट बेस के ऊपर नहीं जमती। अगर बेस के ऊपर डायरेक्ट जम जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको साफ़ करते और वो उखड़ती भी बहुत मुश्किल से। तो नीचे आप किसी भी तरह के मोटे चॉपर या कोई शीट्स बिछा लें जिससे जो भी बर्फ़ होगी सारी डायरेक्ट इस चॉपर के ऊपर ही जमेगी। तो यहाँ पे आप नाइफ़ का इस्तेमाल या किसी शार्प चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर इन्होंने बहुत वायरिंग की होती है कूलिंग की। अगर हल्का सा भी वो नाइफ़ या कोई शार्प चीज़ लग जाए, नोकदार चीज़ लग जाए, तो ये आपका फ्रिज की गैस ख़त्म हो सकती है और फ्रिज का बहुत नुकसान हो सकता है। तो इस तरह इन्होंने हर फ्रिज के साथ ये प्लास्टिक का स्पैचुला दिया होता है। आप स्पैचुला की हेल्प से सारी बर्फ़ रिमूव कर सकते हैं। हमें बर्फ़ मेल्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया है और मुझे यहाँ पे चाहिए प्लास्टिक की शावर बोतल। तो मैंने शावर बोतल के अंदर पानी डाल लेना है और बस हमें एक ही चीज़ चाहिए जिससे हमारी बर्फ़ 5 मिनट के अंदर अंदर मेल्ट हो जाएगी। अब स्पेशली हमने उस जगहों पर यह पानी शावर करना है जहाँ से बर्फ़ अटैच है फ्रिज के साथ। तो मैंने सारे ये बाउंड्रीज के ऊपर कर लिया है और जो बेस है उसके ऊपर कर लिया है। तो अब आप देखना विद इन 2 मिनट्स ना आपकी ये बर्फ़ जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगी अपनी बेस के साथ। प्लास्टिक शीट रखने का फ़ायदा ये है कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर गर्म पानी डाला है ये ऑन द स्पॉट ही सेपरेट होना शुरू हो गई है बेस के साथ। तो देखें अब इसको हटाने के बाद देखें बेस के ऊपर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमी है। और ये मैंने टेप लगाई थी, ये मैंने जब फर्स्ट टाइम फ्रिज साफ़ किया था तो मैंने तब कोई शीट नहीं रखी थी, तो बेस के साथ बहुत बर्फ़ जम गई जिसकी वजह से जो इनकी ओपनिंग होती है वो भी साथ उतर गया था। तो मैंने यहाँ टेप से उसको बंद कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर हमेशा से जो है ये शीट्स ही रखती हूँ ताकि बर्फ़ जो है डायरेक्ट बेस के साथ ना चिपके। अब देखें मैंने हल्का सा ही स्पैचुला प्रेस किया है तो जो बेस के साथ बर्फ़ थी वो निकल गई है। अब इसी तरह से ही मैं आगे आगे शावर करती जाऊँगी। जैसे जैसे वो बर्फ़ निकलती जाएगी मैं मज़ीद आगे आगे शावर करती जाऊँगी ताकि ईज़िली जो है बेस को छोड़ दे जितनी भी बर्फ़ है। आपको ना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा कि 3-4 घंटों के लिए जी फ्रिज बंद किया है फिर जाके बर्फ़ मेल्ट होगी फिर आप फ्रिज साफ़ करेंगे। नहीं, आप जैसे ही फ्रिज बंद करेंगे विद इन 5 मिनट्स आपका फ्रिज साफ हो जाएगा। बस आपने क्या करना है, गर्म बॉइलिंग वाटर इस तरह से शावर कर देना और देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है बर्फ़ के। मैं आराम से ही कर रही हूँ तो ये सारी बर्फ़ उतरना शुरू हो गई है। ये मेरा फ्रिज अब सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर अंदर सारा साफ हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बर्फ़ बेसिकली इतनी जमती क्यों है। जब हमारी लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, आपको पता है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लाइट जाती है तो क्या होता है कि जो बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाती है और फिर वही बर्फ़ लाइट आने पे दोबारा से ही फ्रीज़ हो जाती है। तो जितनी भी बेस के साथ या उसकी रूफ़ के साथ दूसरा फ्रिज के अंदर गैस होती है जो कि फ्रिज का टेम्परेचर तो कोल्ड रखता है, तो उस गैस की वजह से भी ये बर्फ़ इस तरह से फूल जाती है। अब ये देखें कितने ही आराम से सारी ये बेस से उतर गई है बर्फ़। मुझे कोई भी मसला नहीं हुआ, सब कुछ आपके सामने है, मैंने कुछ भी डिफरेंट चीज़ ट्राई नहीं की और बहुत आसान से ये हो गया है। आप भी अपने फ्रीज़र्स कैसे ही साफ़ करें आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा क्विक तरीका है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी क्योंकि मेरे ख्याल में ये तो मसला हर घर का होता है। बस फिर जो उसको थोड़ी बहुत भी बेस में पानी सा इकट्ठा हो जाएगा आप किसी भी ऐसे टॉवल के साथ उसको साफ़ कर लें तो आपका फ्रिज रेडी है दोबारा से सामान रखने के लिए। अब आप देखें इसमें कितनी स्पेस बन गई है। बर्फ़ जमने से क्या होता है कि चीज़ें फंस जाती हैं, चीज़ें नहीं पूरी आती हैं और आपकी स्पेस बहुत कम हो जाती है। अब देखें फ्रिज में इतनी स्पेस हो गई है कि मैं ईजिली इसके अंदर बहुत ज़्यादा सामान अभी भी रख सकती हूँ। बस मैंने अपना सामान सेट कर लिया है। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।